सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर अपनी चैनल बनाने की सोच रहे हो या फिर चैनल बनाना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में चार ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, या फिर ये मान लो कि अगर वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नहीं होंगी तो आप यूट्यूब पर अपनी वीडियो नहीं बना सकते। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है वो चार जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि वो कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है दोस्तों और उनका यूज आपको कैसे करना है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली एप्लीकेशन है पिक्सल लैब। जी हाँ दोस्तों, पिक्सल लैब से ही हम अपने यूट्यूब पर थंबनेल बनाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमारा थंबनेल अच्छा नहीं है तो हमारी वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि दोस्तों थंबनेल को देख कर ही लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। अगर थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो कोई भी उसे ओपन नहीं करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, जिससे हम अपने यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं। थंबनेल कैसे बनाया जाता है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन है दोस्तों कान मास्टर। जी हाँ दोस्तों, कान मास्टर की मदद से ही हम अपनी वीडियो को एडिट करते हैं और उसमें अच्छे अच्छे एनिमेशन डालते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम वीडियो शूट करते हैं तो उसमें कई गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि हम बोलते हुए अटक जाते हैं या फिर उसमें कहीं रुक जाते हैं। तो कान मास्टर की मदद से ही हम दोस्तों अपनी वीडियो को एडिट करते हैं और उसमें जो गलतियाँ होती हैं उनको वहाँ से कट करते हैं और उसमें अच्छे अच्छे एनिमेशन डालते हैं, जिससे हमारी वीडियो देखने में काफ़ी अच्छी लगे। तो दोस्तों, कान मास्टर का यूज़ कैसे किया जाता है और उसमें कितने तरीके होते हैं, कितने फंक्शन होते हैं, इन सबके ऊपर मैंने दोस्तों दो वीडियो बना दी हैं, उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो और कान मास्टर को चलाना सीख सकते हो। दोस्तों, तीसरी एप्लीकेशन है YouTube स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, YouTube स्टूडियो में जाकर ही हम देख सकते हैं कि हमारा चैनल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं दोस्तों, ये सब हम अपने YouTube स्टूडियो में आकर देखते हैं। तो दोस्तों, ये तीसरी एप्लीकेशन है। और दोस्तों, चौथी और आखिरी एप्लीकेशन है दोस्तों क्रोम ब्राउज़र। जी हाँ दोस्तों, जो कि हर किसी के फोन में होता है, क्रोम ब्राउज़र ही एक ऐसी एप्लीकेशन है दोस्तों जिससे हम अपने यूट्यूब की वीडियो को अपलोड करते हैं और हम अपनी वीडियो में जो फोटो यूज करते हैं उनको वहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, ये चार ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छी यूट्यूबर बन सकते हो और अपना यूट्यूब पर चैनल बना सकते हो। और दोस्तों, अगर ये चार एप्लीकेशन आप यूज नहीं करोगे तो आप अपने यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना सकते, बना सकते हो लेकिन काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, यही वो चार ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनकी मदद से आप अच्छी वीडियो बना सकते हो और एक यूट्यूबर बन सकते हो। दोस्तों, चारों एप्लीकेशन के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना दी है, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो कि कैसे इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।